critical thinking the word is showing that we are thinking critically about any situation any event so uh, uh, does it mean that we need to criticize the situation or event no it doesn't mean so what is critical thinking critical thinking means that you are actually logically analyzing the situation that how it happened and uh, how it will happen in future and how it is uh, you know hap happening uh, smoothly right now and what to do to improve it or uh, just to remove it then you are thinking so when you are deeply thinking uh, with making connections uh, to reach the conclusion that is called actually critical thinking that you are critically analyzing the situation and then you are making inferences

आप कहते हैं हाँ वो शक्ल से भी ऐसे लग रहा था वो उनकी हरक़त भी बड़ी मिस्टीरियस हैं तो मुझे मेरा हाल है जो आप कह रहे हैं वो ठीक ही है यानी आपने दो चीज़ों की कनेक्शन बनाई एक तो आपने उसकी अपेरेंट लुक के साथ उसको मैच किया वट एवर यू अदर नेबर वाज टेलिंग यू और उसके बाद फिर आपने कहा कि हाँ मैं एक दफ़ा विज़िट भी किया तो मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे वो मिलना ही नहीं चाहते तो आपने सिर्फ़ उसकी बात के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं किया बल्कि अपने माइंड से दो चीज़ें और एविडेंस आपने प्रोवाइड की और उसके बाद आपने उसको मैच किया और फिर आपने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा ही है अच्छा अब मज़ीद क्या ये क्रिटिकल थिंकिंग है ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक पहला स्टेप है कि यू आर थिंकिंग बाय योरसेल्फ एंड यू आर आल्सो मैचिंग विद योर नेबर्स टॉक उसके बाद अब आप समझते हैं कि मुझे मजीद इसको एक्सप्लोर करना चाहिए तो अब आप मजीद जो है वो उसको एक्सप्लोर करने के लिए एक दो मीटिंग्स करेंगे अपने नेबर्स के साथ मुख्तलि इवेंट्स के हवाले से टॉक करेंगे उसके साथ तो जब सारी चीज़ें एक लेन देन कुछ आपने चीज़ चीज भिजवाई कुछ खाई कुछ आया एटिकेट्स मैनर्स सारी चीज़ें ऑब्जर्व आपने की और बातों से आपको अंदाज़ा हुआ कि नहीं मैं गलत था मैं और जो मेरा हमसाया सोच रहे हैं हम दोनों ही गलत थे क्योंकि वो तो इस तरह का इंसान है नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द लॉन्ग इंट्रैक्शन यू विल आल्सो कंक्लूड लाइक दैट तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये एविडेंसेस के साथ किसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का नाम है और उसके बाद कनेक्शंस के थ्रू किसी कंक्लूजन तक पहुंचने का नाम है और इसका जो एटीट्यूड है किसी भी एरिए के लिए क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो फिक्स नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट में क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं और दूसरे में नहीं कर सकते इट इज़ ओपन फॉर ऑल फील्ड्स इट इज़ ओपन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी डिवेलप्ड इन एनी पर्सन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट रिक्वायर्स टाइम टू बी डिवेल्प तो बाय बर्थ क्रिटिकल थिंकर्स भी लोग हो सकते हैं लेकिन इसके लिए ये सिस्टमेटिकली एक पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सकती है इसके लिए किसी मज़मून की कैद नहीं इसके लिए किसी फील्ड की कैद नहीं है और क्रिटिकल थिंकर आस्क की क्वेश्चन वैलू द एविडेंस फॉर आइडियाज़ रीजनस फॉर प्रॉब्लम्स बहुत लॉजिकली एंड ऑब्जेक्टिवली देख एक्सप्रेस इज आइडियाज़ एंड कंक्लूजनस क्लियरली एंड प्रिसाइसली जो मैंने अभी आपको एक नेबर की एग्जाम्पल के साथ समझाया कि वो एविडेंसिस इकट्ठी करते हैं किसी बात के लिए उसके बाद फिर उसकी कड़ियाँ मिलाते हैं और फिर उसका एनालिसिस के बाद कंक्लूजन कंक्लूजन देखते हैं अगर हम इस्लामिक उसमें थाट में, में जाएँ तो हमेशा हमें कहा गया कि जब कोई तुम्हारे पास कोई ख़बर ले कर आए तो तुम उस खबर का जो है तहकीक कर लो कि उस ख़बर में जो है सदाकत है या नहीं है और ख़बर लाने वाला कौन है यानी दो चीज़ें आपको बताई गई कि, कि किसी भी ख़बर पर यकीन करने से पहले आप जो है उसकी एविडेंस जो है वो कन्फर्म करें और उसके बाद जो है वो ख़बर लाने वाले को देखें कि वो कितना रिलायबल है तो ये चीज़ें हमें देखने के साथ जो है क्रिटिकल थिंकिंग की समझ आती है कि ये पूरी एक लॉजिकल थिंकिंग का नाम है